गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं उदय प्रताप सिंह आज आपके समक्ष यूपीटेट का एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगा। उम्मीद है कि आपको यहां से एक नंबर यूपीटेट में पक्का मिलने की संभावना रहेगी। चलिए आइए बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? तो आंसर आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है। किसका है? दोबारा बात करूँगा, व्यक्तित्व आपके यूपीटेट के एग्जाम में 3 से 4 नंबर की बात करेगा। उसका एक सिद्धांत है, इसका नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्या नाम है? साइको एनालिटिकल थ्योरी। और इसके प्रतिपादन करता है सिगमंड फ्रायड। पेपर पूछता है कि सिगमंड फ्रायड या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है, तो उत्तर क्या मार देंगे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड कहाँ का निवासी है? तो आंसर आता है सिगमंड फ्रायड वियना का निवासी है। कहाँ का निवासी है? वियना का निवासी है। और वियना कहाँ पड़ता है? तो आंसर आता है वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। दोबारा सुन लीजिए, वास्तव में जिस थ्योरी का नाम है इसका नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रतिपादनकर्ता कौन है? सिगमंड फ्रायड। कहाँ का निवासी है? वियना का। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। अगर मैं बात करूँ सिगमंड फ्रायड के बारे में, तो सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। बालक को जो कुछ बनना होता है कारण के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये कई बार आपके बारे में पेपर में पूछा गया है कि किसने कहा बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, सिगमंड फ्रायड ने कहा। किसने कहा? सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ, सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को लिबिडो का सिद्धांत कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को लिबिडो के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और लिबिडो सिद्धांत है, उन्होंने कहा था कि लिबिडो नाम की शक्ति है वो पूर्वजों की देन है। दोबारा सुन लीजिए, सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को लिबिडो के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? लिबिडो के सिद्धांत के नाम जानते हैं। लिबिडो का सिद्धांत या इसे एक और नाम है यौन शक्ति का सिद्धांत। और लिबिडो का सिद्धांत या लिबिडो नाम की शक्ति किसकी देन है? तो आंसर आता है लिबिडो नाम की शक्ति पूर्वजों की देन है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करें। दोबारा सुन लीजिए, सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रतिपादनकर्ता कौन है? सिगमंड फ्रायड। निवासी कहाँ का है? वियना का। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को लिबिडो के सिद्धांत के नाम जानते हैं। लिबिडो नाम की शक्ति पूर्वजों की देन है। सिगमंड फ्रायड का मानना था बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के 2 आधार हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 पोल हैं। सिगमंड फ्रायड के कितने आधार हैं? 2 आधार हैं, यानी कि पहले का नाम है व्यक्तित्व संरचना। पहले का नाम क्या है? व्यक्तित्व संरचना। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत वास्तव में के 2 पोल हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 आधार हैं। एक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी और दूसरे का नाम है व्यक्तित्व का विकास। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के 2 आधार हैं, एक का नाम है व्यक्तित्व संरचना और दूसरे का नाम है व्यक्तित्व का विकास। आइए, मैं ये नोट कर लिया ना, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, बात करूंगा आगे। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के बारे में बात की गई है, तो सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में व्यक्तित्व संरचना किसकी बात की मैं करूंगा? व्यक्तित्व संरचना के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए? 3। एक का नाम इड है, यानी इसको हम कहते हैं इदम। दूसरा नाम ईगो है, इसको कहते हैं अहम। और तीसरा नाम सुपर ईगो है, इसको कहते हैं परा अहम। यानी कि अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व संरचना के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो।
अब चर्चा करूंगा कि इड क्या है। तो कहें कि इड को अचेतन मन की अवस्था कहा जाता है। अचेतन मन की बात करते हैं जिससे सही और गलत का भेद नहीं होता, जिससे सही और गलत का भेद नहीं होता। सिगमंड फ्रायड ने इनको इदम प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहा है। और ईगो की अगर मैं बात करूँ इससे कहते हैं अर्ध चेतन मन। क्या कहते हैं? अर्ध चेतन मन, यानी कि इन्हें सही और गलत का भेद होता है लेकिन जरूरत पड़ने पर झूठ बोल सकते हैं। अर्थात अगर मैं बात करूँ से अर्ध चेतन मन के बारे में बात की गई है, इन्हें सही और गलत का भेद होता है। थर्ड का नाम है जो हमेशा नैतिक नियमों पर चेक करते हैं, इस पर जो नैतिक नियमों पर कार्य करते हैं। सत्यम स्वयं सुंदरम की चर्चा करते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इनको सुपर ईगो की संज्ञा दी है। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो इदम को शैशवावस्था, अहम को बाल्यावस्था और सुपर ईगो को किशोरावस्था की संज्ञा सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है। उम्मीद है नोट कर लेंगे। और इसके बाद पेपर पूछता है व्यक्तित्व का विकास। यहाँ से पेपर में व्यक्तित्व का विकास, एक बार टीटी में ऐसा हुआ है उस क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन व्यक्तित्व विकास में नहीं आता। क्या पूछा है? निम्न में से कौन व्यक्तित्व विकास में नहीं आता। तो थोड़ी सी जानकारी, व्यक्तित्व विकास के आधार पर व्यक्ति के पांच प्रकार बताए गए हैं। पहले का नाम है मुखी अवस्था, दूसरे का नाम है गुदी अवस्था, तीसरे का नाम है लिंग प्रधान अवस्था, चौथे का नाम है अप्रत्यक्ष अवस्था, पांचवे का नाम है जनेंद्रिय अवस्था। दोबारा सुन लीजिए, सिगमंड फ्रायड के बारे में बात की गई है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना के आधार पर व्यक्ति के तीन प्रकार बताए हैं, इदम, अहम, पराहम। और विकास के आधार पर व्यक्ति के पांच प्रकार बताए हैं, मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत एक नंबर आपको पक्का देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। दोबारा सुन लीजिए, व्यक्तित्व में एक चैप्टर है, इसका नाम है सिगमंड फ्रायड। उसी के सिद्धांत की चर्चा मैंने आपसे किया है। सिगमंड फ्रायड वियना का निवासी है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड को लिबिडो के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लिबिडो नाम की शक्ति पूर्वजों की देन है। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के दो आधार हैं, दो पोल हैं। एक का नाम है व्यक्तित्व संरचना, दूसरे का नाम व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व संरचना के आधार पर व्यक्ति के तीन प्रकार हैं, इदम, अहम, पराहम। व्यक्तित्व विकास के आधार पर व्यक्ति के पांच प्रकार हैं, मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था। धन्यवाद। अगली क्लास में आपको मिलेंगे व्यक्तित्व के वर्गीकरण। थैंक यू। धन्यवाद।